2019 की ऐश की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टोटल 169,170 स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए अनरोल हुए थे, राउंड करके 170,000 के करीब। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से केवल 0.5% से भी कम, 0.5% से भी कम स्टूडेंट पीएचडी तक पहुंचते हैं, जिनकी गिनती 170,000 के करीब है। और एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8-10% पीएचडी के स्कॉलर जो अनरोल होते हैं वो पीएचडी को कंप्लीट कर पाते हैं। वर्ल्ड लेवल के सर्वे के अनुसार इंडिया का 4th रैंक है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवार्डेड पीएचडी डिग्री, जो कि 2014 में 24,000 के करीब। अगर इन रिपोर्ट्स को मिलाकर समझे तो ये सामने आता है कि 10-20% पीएचडी स्टूडेंट्स अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाते हैं, उनको डिग्री अवार्ड होती है। लगभग 80% से ज्यादा बच्चे पीएचडी के ड्रॉ कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं पीएचडी। पीएचडी को छोड़ जाने के कई कारण हैं, वो अलग वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन उनमें से एक मेजर फैक्टर है फीस। सो पीएचडी ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट्स को फीस स्ट्रक्चर को समझ लेना चाहिए ताकि पीएचडी का ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। पीएचडी की फीस को डिसाइड करने वाले कई फैक्टर हैं, जो फर्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो फीस का मेजर पॉइंट है। उसको समझने के लिए हम इंडिया में टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी देखेंगे, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 30 जुलाई 2021 को लिस्ट दी है। उसके अनुसार इंडिया में कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल और यूनियन यूनिवर्सिटी जो है 54, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है 436, नेक्स्ट डीम टू बी यूनिवर्सिटीज 126 एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो मैक्सिमम है 388। सो आपके लिए इंडिया में टोटल 1004 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से आपने ऑप्ट करना है पीएचडी करने के लिए, एक यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करने के लिए फीस एक मेजर फैक्टर होगा। ये सबको क्लियर है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी की फीस सबसे ज्यादा होगी, लेकिन मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी कैटेगराइज किया है जिसका फीस स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है। मैंने इनको तीन भागों में डिवाइड किया, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज, एवरेज रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लो रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप कैसे जान सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी हाई रैंक में है या एवरेज में है या लो में है? इसके मैंने चार क्राइटेरियाज बनाए हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कितने होते हैं। हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट ज्यादा होगी। सेकंड है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और कोर्सेज ऑफर्ड, जो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कोर्सेज ऑफर्ड कर रही है, प्रोग्राम ऑफर कर रही है, वो हाई रैंक में आएगी। तीसरा है फैकल्टी मेंबर कितने हैं और स्टेबिलिटी कितनी है फैकल्टी मेंबर की, टीचर्स की। चौथा है रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी इन कंट्री और वर्ल्ड। पहले तीन पॉइंट्स आपको खुद कंपेयर करने होंगे जब आप 1, 2, 3, 4 कोई भी यूनिवर्सिटीज कंपेयर करते हो। और फोर्थ पॉइंट के लिए इंटरनेट पर यह सूचना अवेलेबल है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इंडिया में किस यूनिवर्सिटी का कौन सा रैंक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका, और जब आप पीएचडी कोर्स या पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने जा रहे हो तो उसका क्राइटेरिया ये दिया गया है। आप देख सकते हो कि रिसर्च एंड इनोवेशन में 300 में से उसके कितने अंक हैं। 20वें रैंक पर आ रही है चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसके रिसर्च में से आप देख सकते हो 300 में से 273। 52nd रैंक पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन में से 239, कोर गेन 102nd रैंक है रामा यूनिवर्सिटी कानपुर का, 300 में से इसने 145 रिसर्च में से पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो इन रैंक का फीस स्ट्रक्चर के साथ सीधा संबंध है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप इंटरनेट से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले उसका रैंक देख सकते हैं। हाँ, और किन किन बातों का ध्यान रखना है कोई यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उसके लिए, क्योंकि ये लंबा हो जाता है, अलग वीडियो बनाऊंगा, वो देख सकते हो। फुल टाइम पार्ट टाइम पीएचडी एक फैक्टर है, उसकी बात भी अलग वीडियो में करेंगे। पीएचडी की फीस के हर एस्पेक्ट को समझने के लिए मैंने ये टेबल
ड्रा किया हुआ है जिसमें एक तरफ फीस का एस्पेक्ट है कि एनरोलमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन एटसेट्रा, और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो मैंने सर्वे किया है, मैंने ये टेबल सिर्फ अपने एक्सपीरियंस या एक या दस बच्चों के एक्सपीरियंस पर नहीं बनाया, मैंने टोटल सर्वे इंडिया की पीएचडीज का किया है कुछ यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करके। दूसरा, जो बच्चे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं पीएचडी के अपनी पेन को लेके, अपनी खुशी को लेके रिगार्डिंग दियर पीएचडी, उसको बीच में शामिल किया है। नेट से जो फी स्ट्रक्चर है काफी यूनिवर्सिटी का वो स्टडी किया है। और जो बच्चे पीएचडी छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं, उनकी इंटरव्यू ली है। सारे फैक्टर इसमें डिस्कस नहीं किए जा सकते। अगर आप डिमांड करोगे, कमेंट बॉक्स में इच्छा रखोगे, तो वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो ये रिसर्च बेस्ड ये टेबल बनाया है, इसको हम समझेंगे कि जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिनिमम फीस जो मेरे पास आई है वो इतनी होगी और मैक्सिमम इतनी होगी, और प्राइवेट में मिनिमम मैक्सिमम इतनी होगी। अच्छा, प्राइवेट में भी वेरिएशन क्यों है, जो हम पीछे बात समझ के आए हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लेवल्स मैंने डिसाइड किए हैं, जहां रैंक आप नेट पर जो बात करके आया हूं, जो हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी है वो मैक्सिमम वाली रेंज में रखी है, और जो लो वाली, एवरेज वाली, जो उनमें से मुझे पीएचडी फीस की इंफॉर्मेशन मिली है वो मैंने मिनिमम में पुट की है। पीएचडी करने का सबसे पहला स्टेप है एनरोलमेंट या एडमिशन। टोटल क्या स्टेप्स हैं ये भी डिफरेंट वीडियो में बात की गई है, हर स्टेप पर क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंज और क्या आपने प्रिकॉशन लेने हैं, ये बातें उस वीडियो में की गई है। सो एनरोलमेंट के लिए वेरिएशन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिनिमम 3,000 लग रहे हैं, मैक्सिमम 5,000 लग रहे हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिनिमम 20,000 एनरोलमेंट फीस है, और मैक्सिमम जो हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 50,000 तक फीस ली जा रही है। सेकंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन। जब आपका सिनॉप्सिस पास हो जाता है, सिनॉप्सिस पास होने के बाद आपकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो भी फीस लगती है। वो फीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिनिमम कितनी है, 2,000, और मैक्सिमम, वैसे मुझे मिली नहीं है 5,000, मैंने थोड़ी बढ़ाकर 5,000 लिख दी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिनिमम जो है 15,000 और मैक्सिमम 20,000। अगर मेरे पास ज्यादा यूनिवर्सिटीज का डाटा होता तो शायद मुझे मिल जाता कि 20,000 से ज्यादा फीस वाली, रजिस्ट्रेशन फीस वाली यूनिवर्सिटीज भी हैं। माइग्रेशन, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो पीएचडी के लिए, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन फीस लगभग 2,000 लगती है, लेकिन मैंने थोड़ा बढ़ाकर 5,000 मैक्सिमम भी लिखी है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 10,000 से लेके 30,000 तक की रेंज मिल रही है। मैं हर एस्पेक्ट की फीस आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपने हर स्टेप पर फीस के लिए तैयार रहना है। लास्ट में हम इसका टोटल करके देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम कितना बनता है, तो आप उससे आसानी से डिसीजन ले सकते हो कि मैंने किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है प्री पीएचडी कोर्स वर्क। कोर्स वर्क फीस भी इसको कहते हैं। याद रहे, कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट के बीच आपको लगभग 6 मंथ कोर्स भी इसको कहते हैं, वो कंप्लीट करना होता है, मिनिमम ग्रेड लेना होता है। उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो मुझे मिली है 9,000 मिनिमम मिली है, 30,000 एक यूनिवर्सिटी का अंदाजा है, वैसे हर यूनिवर्सिटी में 30 नहीं होती। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिनिमम 40,000 और मैक्सिमम 50,000 कोर्स वर्क फीस है। नेक्स्ट है एनुअल फीस और सेमेस्टर फीस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जितने भी फीस के पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हर सेमेस्टर के बाद आपसे फीस चार्ज की जाएगी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की, विशेष करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सर्च करोगे, तो आपको सेमेस्टर वाइज फीस ही मेंशन होगी, बाकी फीसेज उन्होंने हिडन रखी है। सारी डिटेल में फीस जानने के लिए वेबसाइट आपके पास से, ईमेल, आपका फोन नंबर,
नंबर की डिमांड करेगी, आप जब वो फिल करोगे उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। असल में उस डिस्क्रिप्शन के बाद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ चार्जेस करती है, इस वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा। इस फोर्थ पॉइंट में मैंने एनुअल क्यों लिखा है, एनुअल तब लिखा गया था जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को स्टडी किया गया था। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एनुअली जनरली चार्ज करती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर 6 महीने बाद फीस चार्ज करती है। तो एनुअली वैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिनिमम 3,000 है, मैक्सिमम 5,000। अगर इसको सेमेस्टर में कन्वर्ट कर लिया जाए ये भी हाफ हो जाएगा, इस टेबल में मैं उसको हाफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर महीने मिनिमम कितना चार्ज कर रही है, 30,000-50,000 मैक्सिमम। इस पॉइंट पर डिसिप्लिन और स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज से, सोशल साइंस से साइंस स्ट्रीम में जाते हो तो फीस बढ़ती जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर फी चार्ज करने की डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हो। जो मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, लॉ, ये जो एरियाज हैं इनमें 1,20,000 पर सेमेस्टर है। दूसरी तरफ मेडिकल लेबोरेटरी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनकी फीस पर सेमेस्टर 80,000 है, देखिए कम हो गई। और जो सोशल साइंसेज हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है, फाइन आर्ट, सोशल साइंसेज, लाइब्रेरी साइंस, इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एटसेट्रा, इसकी 50,000 पर सेमेस्टर है, जो कि मिनिमम है। मैंने इस टेबल में 50,000 वो मिनिमम वाली पुट की है, जो कि ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस की फीस है। इसके अलावा इंटरव्यूज में मुझे ये जानकारी मिली कि जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जब 6 महीने बाद एक प्रेजेंटेशन हर स्टूडेंट ने, पीएचडी के ने देनी होती है, उसके भी चार्जेस लगभग 5,000 कर लेते हैं। वो कैंडिडेट को तभी पता चलता है कि ये फीस भी देनी है, भाई क्या बात है, भी क्या बात है। ऐसे जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो ना तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि एकदम फीस सामने आती है। अच्छा, ये पॉइंट एनुअल या सेमेस्टर फीस का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर सेमेस्टर में देनी होती है, सबसे ज्यादा ये फीस बन रही है। और जब तक आपका पीएचडी थीसिस कंप्लीट नहीं होता आप ये दक्षिणा देते रहोगे, जय हो। अच्छा, अगर लास्ट डेट पर आपकी पीएचडी सबमिट नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तो आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। जनरली पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन लेनी ही पड़ती है, किसी और वीडियो में ये बात डिस्कस करूंगा, जो मेजर फैक्टर बन जाता है। एक्सटेंशन फीस जो फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिनिमम 2,000 है, और मैक्सिमम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 5,000 है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम आप दोगे 30,000, मैक्सिमम दोगे आप 40,000, इससे ज्यादा नहीं देना। अगर सेकेंड टाइम एक्सटेंशन सेकेंड ईयर लेनी पड़ती है, एक्सटेंशन एक साल के लिए मिलती है, तो सेकेंड एक्सटेंशन लेने के लिए फीस बढ़ जाती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी इस फीस को बढ़ाती है, इसलिए कि स्टूडेंट जल्दी से जल्दी पीएचडी कंप्लीट करे। तो 10,000 नॉर्मली ली जाती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 40,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 50,000 से जो ज्यादा नहीं है भाई। पीएचडी सबमिशन फीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नॉर्मली 4,000 है, मैक्सिमम मैंने 5,000 भी लिखी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 25,000। और एक डिफरेंस है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थीसिस एवेल्युएशन, ये देखिए, थीसिस एवेल्युएशन के नाम पर भी ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हैं, मिनिमम 25,000 एंड मैक्सिमम 50,000। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी टोटल ये सबमिशन फीस लेती है, इसी में ही जनरली इवेल्युएशन फीस होती है। इसके अलावा आपकी कुछ गलतियों की फीस कही जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक मॉडिफिकेशन है, यूजीसी ने गाइडलाइंस दी है रेगुलेशन 16 में, उसके अनुसार अगर टॉपिक मॉडिफाई करना है 10,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 20,000 मैक्सिमम ये चार्ज करती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 5,000 के करीब होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज सिक्योरिटी भी लेती हैं, मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी में मिला नहीं कि वो सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट कराती है।
हैं, कुछ यूनिवर्सिटी प्राइवेट में मिला 10,000 से 20,000 की रेंज में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट ईयर में करवा लेते हैं और 6 जितना भी आपका पीरियड लगता है पीएचडी कंप्लीशन का उसका इंटरेस्ट वो खुद रखते हैं, आपको नहीं देंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट्स की गलती होती है, लेट फीस जमा करवाते हैं, जो उनका जनरली 1,000 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है, इतना ही करीब प्राइवेट में है, वो 2,000 या इससे कई बार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 6 मंथ बाद जो यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अनुसार है वो जमा करवानी हो, तो वो अगर एक महीना आप लेट जमा करवाते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 1,000 के करीब चार्ज करती है और प्राइवेट लगभग 2,000 के करीब उसका भी पर मंथ चार्ज कर। मेरे एक स्टूडेंट ने 1,20,000 ऐसे फाइन्स यूनिवर्सिटी को दिए हैं। कुछ फीसेज ऐसी भी हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चार्जेस करती हैं, उसको लेबल अलग अलग लगा देती हैं, वो मैंने पिछले जो टेबल डिस्कस किया है उसमें नहीं डाली। ये चार्जेस हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एकदम ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। आप गाना तो गाओगे ना, दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। अच्छा, ये कौन सा दिल नहीं मान रहा, जैसे ये देखिए, डॉक्टरल सेमिनार ऑन स्पेशलाइजेशन फीस, भाई मुझे नहीं पता 60,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही। अच्छा, सिनॉप्सिस सेमिनार फीस 60,000, दे दो भी दे दो, पूजा करो पूजा। अच्छा, प्रोग्रेस रिव्यू सेमिनार फीस 20,000, ये शायद वही सेमिनार है। आई डॉट प्री थीसिस सबमिशन जो होता है ये भी, हाँ स्टेप एक होता है, जब स्टेप्स डिस्कस करूंगा ये आएंगे, 40,000 इसकी फीस रखी हुई है भाई। अच्छा, थीसिस सबमिशन और डिफेंस की इस यूनिवर्सिटी ने 75 रखी हुई है, इतनी लिमिट मैं पीछे भी डिस्कस करके नहीं आया, और इस यूनिवर्सिटी ने अपनी टोटल फीस 4,20,000 बताई हुई है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ ये देखिए ट्यूशन फीस और अदर फीस का टोटल जो सेमेस्टर के एंड में लेना है वो ही डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में ये बन गया 1,18,000, 25,000, 24,000, 25,000, 24,000 सेमेस्टर वाइज हो गई ना। सेकेंड ईयर में 25,000 और 24,000 एक सेम की, 25,000, 24,000 दूसरे की, ये लगभग 98,000, 1,00,000 के करीब हो गया। थर्ड में भी 1,00,000, ये तो मिनिमम पीरियड है ना, अगर आप टाइम पीरियड, ये अलग वीडियो में डिस्कस होगा। अच्छा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो 58 ऊपर मैंने नंबर बताया वो डिस्कस करके आए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस आप यहां देख सकते हो, वो टोटल फीस ले रहे हैं 21,500 के करीब एक साल, सेमेस्टर वाइज कितनी, लगभग 10,000-11,000 पड़ी। अब हम टोटल सम करके समझते हैं, ये पीएचडी की सारी हम जो फीस डिस्कस करके आए हैं इसको तीन भागों में मैंने बांटा है। फर्स्ट है ए कैटेगरी, जिसमें शामिल की है वो फीस जो एक बार ही आपको देनी पड़ती है, जैसे एनरोलमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्री पीएचडी कोर्स फीस, पीएचडी थीसिस सबमिशन फीस एंड थीसिस इवेल्युएशन फीस। ये पूरी पीएचडी में आपको सिर्फ एक बार ही देनी पड़ती है। इसका टोटल है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिनिमम आपकी रेंज बनती है 18,000 एंड मैक्सिमम बनती है 45,000। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिनिमम बनती है 1,10,000 एंड मैक्सिमम बनती है 1,95,000। सी कैटेगरी में वो फीस शामिल की है जो केस बेस्ड है, आपके इंडिविजुअल सिचुएशन के बेस पर वो फीस लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। इसमें शामिल है एंट्रेंस टेस्ट की फीस, उनको देनी पड़ती है जिनका गेट, JRF, नेट, CEED ऐसे टेस्ट जो UGC ने कहे हैं पास होने चाहिए, अगर वो पास नहीं है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसकी फीस चार्ज होगी। सेकंड है जो टाइमली थीसिस सबमिट नहीं करवा सकते, उनको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है, वो फीस शामिल होती है। याद रहे कि हमने शुरू में बात की थी कि टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट में से लेस देन 0.5%, आधे परसेंट से भी कम जो स्टूडेंट है वो पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं, जो
जो एनरोल होते हैं उनमें से सिर्फ 10-20% को पीएचडी अवार्ड होती है, और जिनको पीएचडी अवार्ड होती है उनमें से लेस देन 10% होते हैं जो टाइमली थीसिस को सबमिट करवाते हैं, यानी मोर देन 95% स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन फीस देनी पड़ती है और मोस्टली इनमें से सेकेंड टाइम भी एक्सटेंशन लेते हैं, तो ये फीस के चार्ज उनको टॉलरेट करने पड़ते हैं। थर्ड है माइग्रेशन फीस, अगर आप उस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए तो ये चार्ज आपको पड़ेंगे। ये जो ऑप्शनल या केस बेस्ड सिचुएशन की फीस है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिनिमम बन रही है हमारी 16,000 एंड मैक्सिमम बन रही है 22,000, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये बन रही है 85,000 एंड मैक्सिमम बन रही है 1,25,000। और ये टेबल उनको टोटल सभी फीस का किया है कैटेगरी वाइज, 4 साल की पीएचडी की फीस का वन टाइम पे और ईच सेमेस्टर पे को हम सम कर दें, उसका टोटल कर लें, तो इसको मैंने नाम दिया है टोटल एसेंशियल फीस, जो हर स्टूडेंट जो बेशक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहा है उनको कितनी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 42,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 85,000, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिनिमम 3,50,000 एंड मैक्सिमम 5,95,000, नियरली 6,00,000। और इसमें अगर ऑप्शनल फीस भी शामिल कर दें, केस बेस्ड फीस भी शामिल कर दें, जिसमें माइग्रेशन एक्सटेंशन एंड एंट्रेंस की फीस शामिल हो जाती है, ये भी शामिल करके मैंने टोटल एग्रीगेट जो निकाला है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मिनिमम बनता है 58,000 एंड मैक्सिमम बनता है 1,07,000। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का टोटल एग्रीगेट फीस का खर्चा है 4,35,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 7,20,000। अगर इस एनालिसिस को, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैंने किया है, इसको मैं क्वालिटेटिव डाटे से कंपेयर करूं जो मैंने पीएचडी के उन स्टूडेंट से किया है जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, तो उनकी एवरेज भी 7.5 लाख निकलती है, यानी उन्होंने बताया कि 7.5 लाख उनका खर्चा आया। पर ये याद रहे कि मैंने जिन जो स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया वो लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी या एवरेज रैंक यूनिवर्सिटी में से थे। अगर आप हाई रैंक यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो ये फीस का खर्चा आपका थोड़ा और बढ़ जाएगा। और ये भी याद रहे कि जो मैं पीछे यूनिवर्सिटी के रैंक डिस्कस करके आया हूँ फर्स्ट से 102 तक, वो हाई रैंक यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नंबर है 388। अगर इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट 100 टॉप को मैं रखता हूँ हाई रैंक में, जो पीछे डिस्कस की हुई है, और बॉटम वाली लो रैंक यूनिवर्सिटी में 100, और बीच वाली जो बचती है वो एवरेज लेवल यूनिवर्सिटी में रखता हूँ। तो ऐसे ही अगर आप साइंस स्ट्रीम में पीएचडी कर रहे हो तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि पर सेमेस्टर साइंस स्ट्रीम का फीस का खर्चा जो 80,000 पर सेमेस्टर से भी ज्यादा है, जो पीछे डिस्कस करके आए हैं कई यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट जो कैटेगरी पीछे डिस्कस की है, 1,20,000 पर सेमेस्टर चार्ज करते हैं, तो उसके अनुसार ये आप प्लस कर लीजिए। सेकंड, अगर आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं विदाउट स्कॉलरशिप तो 10-15% इसमें फीस प्लस कर लीजिए। हाँ, अगर आपकी मोटिवेशन लो है, टाइमली सबमिट नहीं करवा पाए, तो आपका एक्सटेंशन के साथ साथ पर सेमेस्टर का 50,000 का जहां 80,000 का अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम वो खर्चा भी प्लस कर लीजिए। गवर्नमेंट ने कुछ टैलेंटेड बच्चे जहां वीकर सेक्शन के बच्चों की कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप रखी है, उसके लिए अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और याद रहे ये सिर्फ मैंने फीस के खर्चे की बात की है, इसके अलावा और भी कई खर्चे होते हैं जो पीएचडी करने के लिए जरूरी है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। इस टेबल को देखो तो ये याद रखना है कि ये 4 साल के की फीस का चार्जेस हैं, लेकिन जब ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी पर वीडियो बनाऊंगा तब ये बताऊंगा कि आपको असल में कितने साल या कितना टाइम किस सिचुएशन में लग जाता है। इसके अलावा आप ये फीस भी ऐड कर सकते हो, जिन बच्चों ने मुझे ये बताया कि एनुअल या सेमेस्टर की प्रेजेंटेशन के दौरान प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगभग 5,000 की फीस एक्स्ट्रा कोई ना कोई लेती है, उनको 8 सेमेस्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो 40,000 की ये भी 4 साल की फीस हो जाती है। हाँ, अगर आपने मेरी फीस जाननी है, मेरी स्कूल की, कॉलेज की, पीएचडी की फीस, सारी फीस शामिल करके मेरी लेस देन 20,000 बनती है। रिसर्च के बारे में, यूजीसी नेट के बारे में, एजुकेशन के बारे में,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में किसी भी ऐसे विषय पर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे मुझे मैसेज और फीडबैक दोनों दे सकते हो। थैंक यू।